हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए बीसी थर्ड ईयर मैथ्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उसका है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नाम, जो वेक्टर स्पेस में ही है। ठीक है, तो इस पर बेस एग्जांपल्स और थ्योरम जो सब चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए क्या होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस का, वो आज हम समझ लेते हैं। माना U of F तथा V of F दो वेक्टर स्पेस हैं, यानी कि सदिश समष्टि हैं। ठीक है, सदिश समष्टि हैं। तब एक प्रतिचित्रण यानी कि मैपिंग F U to V, U से V पर क्या कहलाती है? रैखिक प्रतिचित्रण कहलाती है। U से V में, ठीक है, ऑफ U into V कहलाती है यदि दो कंडीशन इसकी यहां फॉलो हो जाए। पहली कंडीशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ठीक है, एंड सेकंड एफ ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये दो कंडीशन है आपके पास। ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो करती है, यहां पर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू क्या है? यू है, एंड ए बिलोंग्स टू क्या है? F है। देन F ऑफ X एंड F ऑफ Y बिलोंग्स टू क्या है? कैपिटल V। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास जो टर्म है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। F ऑफ X प्लस Y यानी कि वेक्टर्स को ऐड करने पर वो अलग अलग ऐड के बराबर होगा, और F ऑफ AX बराबर A ऑफ FX। ठीक है, एफ ऑफ ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, यानी कि आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दोनों कंडीशन मिलकर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी, राइट? कोई दिक्कत नहीं। इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कहीं कहीं पर हम लोग वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, क्योंकि कई जैसे होमोमॉर्फिज्म होता है ना ग्रुप के अंदर, वैसे वेक्टर स्पेस में होता है। ठीक है, और कई राइटर्स जो हैं आपको यहाँ एक चीज जो है वो इस प्रकार से मिल जाएगी, दोनों चीज एक साथ काम में आने वाली, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए ऑफ एफ एक्स प्लस बी ऑफ एफ ऑफ वाई। ठीक है, दोनों कंडीशन को एक साथ लिख दिया उन्होंने। ठीक है, ए एक्स बराबर ए ऑफ एफ एक्स है, तो अगर मैं एफ ऑफ बी एक्स बी वाई करूंगा तो भी क्या आएगा? बी ऑफ एफ ऑफ वाई आएगा। तो वो चीजें दोनों को कंडीशन को एक साथ हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये कभी कभी आपको यहाँ पर मिल सकता है, यहाँ पर मतलब कि किसी बुक में। ठीक है, हम तो इन दोनों कंडीशन को लेके चलेंगे, हमारे तो ये दोनों कंडीशन ही मिलकर क्या बनाएगी? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगी, राइट? ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल दो इसको, या बोल दो वेक्टर स्पेस का होमोमॉर्फिज्म, बात यहाँ पर दोनों की एक ही है। तो ये सिर्फ एक खेल होता है नंबरों का, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन का खेल है। जैसे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है यानी मैपिंग है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई वेक्टर्स के ऊपर, दोनों को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर के साथ में, मैपिंग है तो अलग पहले मल्टीप्लिकेशन, देन उसके बाद एफ ऑफ एक्स यानी कि मैपिंग। तो देखिए आप एग्जांपल जिसके थ्रू हम ये ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई या करें तो आपको बताना चाहते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास, एक मैपिंग दे रखी है टी, ठीक है, और वो है वी थ्री आर से वी टू आर में, वी थ्री ऑफ आर टू
वी टू आर में, आपको वी थ्री आर वी टू आर का मतलब तो पता ही होगा, ये डायमेंशन होता है, यानी कि वी थ्री आर का मतलब थ्री डायमेंशन वेक्टर स्पेस एंड वी टू का मतलब टू डायमेंशन। थ्री डायमेंशन का मतलब उसमें तीन कोऑर्डिनेट होंगे, या हम कहें तो उसके अंदर तीन टपल होंगे, ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई जेड इस टाइप के वेक्टर है वो। और वी टू आर का मतलब कि रिजल्ट जो आ रहा है आपके पास वो टू डायमेंशन में आ रहा है, यानी कि केवल एक्स या वाई, एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स, ठीक है, समझ में आ गया। तीन से दो में रिजल्ट आ रहा है आपके, तीन डायमेंशन में से दो डायमेंशन पर आप रिजल्ट देख रहे हैं। तो क्या है आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, तो देखिए वो है टी ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। अगर आप तीन कोई भी वेक्टर रखते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आता है एक्स वन माइनस एक्स टू और एक्स वन प्लस एक्स थ्री, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को माइनस करना है और फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना है, ऐसा रूल बन जाएगा अगर आप तीन वेक्टर वाली टर्म लेते हो। यानी कि अगर आप यहाँ पे पी क्यू आर लेते हो तो पी माइनस क्यू और पी प्लस आर, ठीक है, इस तरह से आपके पास जो टर्म है वो तैयार होगी। तो इसको सॉल्यूशन हम निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेट माना कि एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री इक्वल टू में एक्स बिलोंग किसे कर रहा है, वी थ्री के, ठीक है, एंड वाई वन वाई टू वाई थ्री ये इक्वल टू किसके है, वाई के, और ये बिलोंग कैसे कर रहा है, वी थ्री ऑफ आर के, ठीक है, दोनों बात एक ही है। इन तीन टपल का हमने दो वेक्टर्स ले लिए, राइट। अब मैपिंग की बात करते हैं, टी ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कि इस तरह से होना चाहिए ना, टी ऑफ एक्स प्लस वाई करूँ तो टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई आना चाहिए, और टी ऑफ ए इंटू एक्स करूंगा तो ए ऑफ टी एक्स आना चाहिए। तो मैं यही बात देख देख लेता हूँ। तो टी ऑफ एक्स प्लस वाई का मतलब एक्स और वाई को जोड़ दो, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है, प्लस वाई वन वाई टू वाई थ्री, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जोड़ने का मतलब क्या है, एक्स वन प्लस वाई वन फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट टर्म जुड़ जाएगी, ठीक है, यही है क्या, एक्स वन प्लस वाई वन, और एक्स टू प्लस वाई टू एंड एक्स थ्री प्लस वाई थ्री। अब जो रूल बन गया है वो बन गया है इसके वाला, यानी कि टी ऑफ जो भी टर्म है, जो भी आपको वेक्टर दे रखे हैं उसको इस तरह के फॉर्म में लिखना है कि फर्स्ट वाले दोनों टर्म का तो माइनस और लास्ट वाले दोनों टर्म का ऐड, लास्ट वाले नहीं फर्स्ट लास्ट वाले का ऐड, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले का तो माइनस, यानी कि एक्स वन प्लस वाई वन माइनस एक्स टू वाई टू, ठीक है, एंड फर्स्ट लास्ट वाले का ऐड, तो एक्स वन प्लस वाई वन प्लस एक्स थ्री प्लस वाई थ्री, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है, प्लस में वाई वन और माइनस में वाई टू, यहाँ पे भी क्या लगेगा, एक्स वन प्लस एक्स थ्री प्लस वाई वन प्लस वाई थ्री, ठीक है। अब देखिए ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, यानी कि आपने इसको जो सॉल्व किया वापस ये टर्म आ गई, ठीक है, आप इसको सेट करके वापस से इस वाले फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से देखो, आप अगर इस वाले टर्म को मैं यहां ले आता हूँ, दोनों को मैं कॉम्बिनेशन में लिखूंगा, ठीक है, ये टर्म अगर यहाँ जाती है और प्लस हो जाता है, ये टर्म वहां चली जाती है तो प्लस हो जाता है, तो आप खुद देखिए कि एक्स वन माइनस एक्स टू और एक्स वन प्लस एक्स थ्री, ठीक है, इसके जैसे। तो यहाँ पर ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, टी ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो देखिए हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो टर्म जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, टी ऑफ एक्स वन, सॉरी टी नहीं, टी तो बाद में आएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है, एंड एक्स वन प्लस एक्स थ्री। अब टर्म जो है प्लस का साइन आ जाएगा बीच में, और वाई वन माइनस वाई टू और कॉमा वाई वन प्लस वाई थ्री, ठीक है,
ऐसे हमने सेट कर दिया इस टर्म को कि यहां पर x1 वन माइनस एक्स टू ये टर्म है, ये जब यहां आ जाएगा तो ये प्लस का साइन हो जाएगा बीच में, यानी कि ये दोनों कॉमा का निशान जो है वो इन दोनों बीच में आ जाएगा, प्लस का निशान इन दोनों में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री लिख सकते हैं, यानी तो ये तो रूल है टी का ट्रांसफॉर्मेशन का, और ये क्या किसका रूल है, वाई वन वाई टू एंड वाई थ्री। ठीक है, इसका मतलब क्या बन जाएगा, टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई किसके बराबर है, ये किससे हुआ था, टी ऑफ एक्स प्लस वाई से, यानी फर्स्ट जो रूल है ट्रांसफॉर्मेशन का वो फॉलो कर गया है। अब ऐसे हमारे पास सेकेंड रूल है वो भी हम फॉलो करा देंगे। तो उसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या है, टी ऑफ ए एक्स बराबर टी ऑफ ए एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, क्या हो जाएगा, टी ऑफ ए एक्स वन ए एक्स टू एंड ए एक्स थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो रूल होता है टी का, जो भी रूल टी का वहां बना हुआ है कि जो इसके अंदर आने वाली जो भी टर्म है उसको पहले फर्स्ट और सेकंड वाले को क्या करना है, माइनस करना है, और फर्स्ट और लास्ट वाले को ऐड करना है, वो चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ए ऑफ एक्स वन माइनस ए ऑफ एक्स टू, ठीक है, एंड ए ऑफ एक्स वन प्लस ए ऑफ एक्स थ्री, राइट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये टर्म क्या, इसमें आप क्या हो जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, इसमें हम ए कॉमन ले सकते हैं। ऐसे तो ए कॉमन नहीं आता, ऐसे जो आपको दिख रहा है कि ए सब में आ रहा है तो ए को बाहर निकाल लिया, लेकिन कॉमन ए नहीं आता। बात ऐसी है कि यहाँ पे टू टपल्स की या फिर तो टू डायमेंशन में वेक्टर्स हैं जिसमें ए मल्टीप्लाई हुआ है, ए सबसे मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ए पूरे में आ रहा है तो इस दोनों को भी ए के मल्टीप्लाई पल में ही ले सकते हैं, ए मल्टीप्लाई पूरा का पूरा वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब देखो ये जो टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी ऑफ एक्स, ठीक है, ए इंटू टी ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का मतलब क्या है, ए इंटू टी ऑफ एक्स। तो ये चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी थी यहाँ पे, जो हमने प्रूफ की ये रूल और ये रूल मिलकर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रूल बन जाएगा। तो दोनों रूल जो है फॉलो कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, क्योंकि टी ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो है टी ऑफ एक्स के बराबर, टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई के बराबर, और ए ऑफ ये हम कहें तो टी ऑफ ए एक्स बराबर हो जाएगा ए ऑफ टी ऑफ एक्स। क्लियर, तो इस तरह से हमें रूल फॉलो करना होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। आप समझ चुके होंगे कि अगर दोनों रूल फॉलो कर जाते हैं तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है वो कोई भी वेक्टर जिसका भी रूल आपको दिया गया है, जिस भी रूल में आपने काम किया है, चाहे वो टू वेक्टर्स का हो या टू टपल्स का हो या थ्री टपल्स का हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पर v3r से v2r के अंदर आपके पास कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो सकता है कई बार आपके पास v3r से v3r के अंदर ही बने, या v2r से v2r के अंदर ही बने। ठीक है, जरूरी थोड़े ना है, इस बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि v3r से v2r होगा तभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। वो तो यहाँ पर अगर तीन वेक्टर्स हैं तो उसका रिजल्ट जो आ रहा है वो दो वेक्टर्स में आ रहा है, एक ये रहा कॉमन लग गया, एक काउंट हो गया, ये दूसरा काउंट हो गया, तो सकता है कि v3r में होता तो तीसरा और आ जाता आगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है उसका रूल अगर पता चल जाता है, तो आपको जो प्रूफ करना है वो ये चीज प्रूफ करनी है कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। ठीक है, देन एंड ए इंटू में टी ऑफ एक्स बराबर या फिर टी ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए ऑफ टी एक्स, यानी कि स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन जो है वो एक तरह से बाहर मल्टीप्लाई होकर उसके बराबर वाली टर्म बना देता है। राइट, तो स्टूडेंट्स इसको आराम से आप समझिए, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस और भी एग्जांपल्स और क्वेश्चन हम लेंगे। ठीक है, इसके बाद बस एक अच्छी चीज थ्योरम है रैंक और नलिटी की, इस चीज को समझाना जरूरी था। ठीक है, आगे के पार्ट में हम उसी को डिस्कस करेंगे।
ऐसा नहीं है। तो और दो एक लेक्चर आपके पास इसके हैं टॉपिक के, या कहें हम इसके यूनिट के, जो 15 जाके चल रही थी, फिर आपकी जो बुक है और यूनिट है वो दोनों के दोनों कंप्लीट हो जाएंगी, और फिर हम नेक्स्ट जो बुक है आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको कैसे इसको पढ़ना है, किस तरह से इसका सोल्यूशन निकालना है। तो आराम से पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो तो पूछते रहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।